हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक बार आपके साथ में करियर इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में क्या करियर हो सकता है इसको लेकर अपने स्टूडेंट सुशील कुमार जो रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं मैं प्रस्तुत हूँ। सुशील, आज आपके साथ में आपकी स्टडीज़, आपने कैसे सोचा फोटोग्राफी करना है, आईआईपी में आपका जो टाइम ड्यूरेशन बीता और आज जब आप एक जॉब के प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ से मूव कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये जानना है करियर इन फोटोग्राफी होता है क्या। तो इस पर आप पहले तो ये बताएं हमें कि कहाँ से आपने शुरू हुई, वो इंस्पिरेशन वाला दिन कौन सा था जब आपने सोचा कि मैं फोटोग्राफी करूँगा। सर, हाय हाय एवरीवन, माय नेम सुशील। और सर, मैं अपना सर जब मैं 12th क्लास में था उससे पहले से ही मेरे दोस्त के पास एक कैमरा था, तो मैं उसके कैमरा यूज़ करने लगा था। तो हम लोग दोस्ती मतलब सब लोग मिल के शूट करने चले जाते थे। तो फिर उसके बाद मैं मतलब वही चीज़ थी कि मैं तो सबके अच्छे फ़ोटो क्लिक कर देता था, मेरा कोई नहीं करता, लेकिन सबको ये अच्छा लगने लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ उनके, और मेरे को भी उसमें अच्छा लगता था कि मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ किसी के लिए। तो यही चीज़ चलती रही, मेरा 12th हो गया फाइनल। उसके बाद मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो पापा को भी वही चीज़ थी कि तू भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। तो पापा ने मेरे को दिल्ली भेजा, तो मैं दिल्ली में एक साल मैंने SSC CGL की तैयारी की थी, लेकिन उसमें मेरे को कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं पहले से ही, जब मेरा नहीं था तो मेरे को हुआ ही नहीं। फिर किसी कारण से मैं फिर घर वापस गया, फिर मैंने मम्मा को बताया ये सब बात की मेरे से नहीं हो रहा। तो मम्मी ने उस टाइम तो फोर्स किया, नहीं तू कर, हो जाएगा, तू पढ़ने में सही है, कर कर कर, लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा टाइम दिया अपने आप को और उसको एनालाइज़ किया कि मैं किस चीज़ में मेरा मन लगता है और मैं किस चीज़ में कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कुछ आगे। तो फिर मेरे को सजेशन यही आया कि हाँ फोटोग्राफी। फिर मम्मी ने मेरे को एक कैमरा दिलाया, उस टाइम मैंने जिद में ले तो लिया कैमरा, फिर ये सोच रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं वहाँ पर अपनी कॉलोनी के बच्चे और ये सब लोग जो होते थे उनकी शूट करने लगा, तो उससे देखते देखते थोड़ी इनकम आने लगी मेरे घर पे भी और मेरे पास। तो मम्मी और पापा को लगा कि हाँ जब ये अभी यहाँ पर इतना कर रहा है तो हाँ इसमें क्या पता आगे जाके कुछ अच्छा कर ले, अचीव कर ले। तकरीबन ये कितनी पुरानी बात है सर? ये दो साल पहले की बात है, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़े घर में इश्यूज हो गए, मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरे को गैप लेना पड़ा। फिर मैंने सब लोग मानने लगे ये वाली बात कि हाँ चल कर ले, मतलब सबके पापा लोग होते हैं ना जो सबकी कॉलोनी के और लोगों की वो लेते हैं राय कि क्या करना है क्या नहीं करवाएं। तो कुछ लोग पापा को मिले सही लोग भी जिनने कही कि हाँ कराओ, क्या पता लड़का तुम्हारा अलग ही जाना चाह रहा है, यहाँ पर कोई करता ही नहीं ये चीज़, तो करा के देखो क्या पता कुछ अचीव कर ले वो। तो पापा ने फिर उसके बाद सोचा कि हाँ चलो कराते हैं। तो फिर पापा ने कही चल देख कहाँ कहाँ कॉलेज हैं या कुछ भी। फिर मैंने सर्च किया तो मेरे को बहुत सारे कॉलेज मिले, लेकिन मेरे को जो लगा कि हाँ किसी कॉलेज में जाना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ लग रही थी कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था, मैं एक दिन विज़िट करने आया और देखा यहाँ पर क्या है, पढ़ाई है अच्छे से, मतलब मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर। और कॉलेज के देखते हुए मेरे को यहाँ पर अच्छी फीलिंग्स आई, गुड फीलिंग्स होती हैं एक वो आई। फिर मैंने घर पर जाके बताया, फिर बताने के बाद थोड़ा फिर भी मैंने थोड़ा सा और सोचा कि लेना सही है या नहीं है। फिर मैंने पापा को बताया कि हाँ मैं इसमें जाना ही चाहता हूँ। फिर मैं आया यहाँ पर, फिर कोर्स डिस्कशन किया, तो पहले मैंने कि डिप्लोमा के लिए, अब डिप्लोमा करा, करने के बाद यहाँ पर जो मेरे को पढ़ाई और मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, फैमिली एक बिल्कुल, हम किसी भी सर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं कहीं पर भी बैठ के, कहीं पर भी किसी भी क्लास में जाके, जहाँ मेरे को जो चीज़ मेरे को सीखनी थी वो हर एक चीज़ मेरे को सिखाई गई है यहाँ पर। तो बस यही था। और उसके बाद अब तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई भी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि फोटोग्राफी में प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, करियर क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैमरामैन हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी में दिखते हैं, है ना। बाकी के जो आप लाइफस्टाइल फोटोग्राफी, फैशन और बाकी के जो जॉनर्स हैं उसमें कैमरामैन नहीं दिखते हैं, उनकी बनाई हुई वो तस्वीरें दिखती हैं, इसीलिए लोगों पर तक वो पहुँच नहीं पाते हैं।
किसी एक्टर की, स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी मिनिस्टर की फोटो देखेंगे तो इम्पैक्ट है, उसका सॉलिड इम्पैक्ट है, लेकिन फोटोग्राफर इसके पीछे है, इतना विजन लोगों में नहीं होता है, इसीलिए हम वो गैप रह जाता है हमारा कि फोटोग्राफी में कोई बिजनेस होता है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि कैमरा से बनाई हुई वो तस्वीर इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि सारा ध्यान उस तस्वीर पे चला जाता है, बजाय कि फोटोग्राफर जिसने खींचा है, बनाया है उस तस्वीर को। आपको जब ऐसा लगा, जब अपने पेरेंट्स से बात कर ली, तो एक झिझक आपने बताया कि झिझक आई है कि भाई करूं या नहीं करूं, तो वो स्पार्क कैसे पता लगा कि नहीं मुझे तो करना ही है? सर वही चीज़ है ना, जब मैंने और फोटोग्राफर्स को देखा कि सर जब वो कर सकते हैं किसी चीज़ में, क्योंकि मेरे को तो अभी इतना नॉलेज थी नहीं, क्योंकि एक चीज़ होती है जिस चीज़ को हम करते हैं तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है कि हम ये चीज़ इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, तो उसमें हमें क्या करना है और सही होगा या नहीं होगा। तो सर मैंने यही सोचा, तो मैंने काफ़ी कुछ मतलब सर्च किया था कि ये फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं और ये सब, मतलब मैंने एनालाइज़ किया कि हाँ इस चीज़ में करियर है, कि हम कुछ भी नहीं सर, बहुत सारे जैसे बीटेक हो गए ये सब लोग करते हैं लेकिन उनमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि तुम्हें जॉब मिलेगी। तो सर हमें ये नहीं सोचना कि जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, हमें ये करना है कि हमें अपना काम है अच्छे से करना है, जॉब तो अपने आप ही आ जाती है सर। ठीक, एक और जो पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे शहरों से ये एस्पिरेशन रखते हैं, ये ख्वाब है उनका, ये सपना है कि मैं भी दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं और बड़े शहर में जाऊं और मैं भी एक फोटोग्राफर बनूं, क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपोजर नहीं होता है, पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, तो बहुत बच्चों के सपने फिर दबे रह जाते हैं। उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो सपना देखा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाने में नहीं करियर बनाने में विश्वास रखते हैं, तो उन छोटे शहर के बच्चे जो आप जैसे बैकग्राउंड पर हैं, आपका फिर भी एक्सपोजर था, गवर्नमेंट में जॉब थी फादर साहब की, या उस तरह से आप एक दो ऐसी भी प्रोफाइल्स को जानते थे, आपने मुझे बताया था काफ़ी पहले, जैसे अमित हांडा है ना, उनका एक्सपोजर अच्छा था, उनका दिल्ली का एक्सपोजर था, मेरे भी दोस्त रहे हैं वो, तो इन लोगों से जानकारियाँ मिलती हैं, फिर ट्रस्ट फैक्टर पैदा हो जाता है कि भाई अच्छा ये उनको पहचानते हैं, इस तरह से बात हो जाती है। उन छोटे शहर के बच्चे जिन्होंने वो सपना देखा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि मतलब कोई भी सपना है तो उसको पहली बात तो पूरा करने की पूरी कोशिश करो, घर और पेरेंट्स को तो ये चीज़ होनी चाहिए कि उसका बच्चा कोई सपना देख रहा है, उस सपने को पूरा कर रहा है वो अपनी चीज़ में, तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ करे और वो सपना पूरा करे अपना, तो सर वो चीज़ ये क्यों नहीं होती कि जो बच्चा सपना देख रहा वही चीज़ पूरी कर ले? क्योंकि छोटे शहरों में सर यही चीज़ होती है कि ज़्यादा वो डॉक्टर की कर ले, अपने MBBS की तैयारी, JEE की, यही चीज़ ज़्यादा चलती है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी एक अभी फील्ड ये है कि छोटे शहरों में अभी पहुँचा ही नहीं है जी, क्योंकि उससे मतलब जो पेरेंट्स हैं वो यही है कि इसमें क्या कर सकता है बच्चा, वो स्केल अभी पहुंची नहीं है जो बड़े शहर में पहुंच चुकी है अब जी, तो वो चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि हर एक चीज़ में करियर है लेकिन करने वाला होना चाहिए, हर चीज़ में तुम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। ये बात जो सुशील ने हमें बताई है कि करियर है, तो करियर कहाँ है ये बात क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे शहर के, उन शहरों के, उन जगहों के बच्चे जहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, और उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। देखिए जैसे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट, आपको मालूम है कि क्रिकेट एक खेल है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उस फाइनल टीम में सिर्फ 16 स्टूडेंट ही जाते हैं और उसके लिए कम से कम 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए। तो वो भी एक पैशन है, ऐसे ही फोटोग्राफी का भी एक पैशन है। जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ आप डॉक्टर्स की तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आज आपने शुरू किया है, एक लेवल पर आपने सीखा है और उसको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे अब आप उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली आप सिर्फ इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट डेली आपके काम में होता है और वो कॉन्फिडेंस जो आप इंस्टीट्यूशन से लेके जाते हैं वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे फिल्म मेकिंग, फैशन इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री जो हम मॉल्स में और बाकी जगहों पे देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंटेशन, आर्काइविंग, इसके अलावा ये तो फूड फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल में बहुत सारे अदर होटल्स एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दुनिया भर का बहुत काम है। यहाँ सब जगह पर बिजनेस होता है और जहाँ बिजनेस होता है वहाँ फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें अपने करियर को लेकर के उतनी प्रैक्टिस, उतनी लर्निंग, उतना अपने मेंटर्स के साथ में क्रिटिक करना होता है सो दैट हम उस सिचुएशन में फिट हो पाए। अगर आप वहां जाके स्ट्रगल करेंगे तो आपको अपनी टीम का मेंबर लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से काम करते हैं तब आप अपनी सिचुएशन भी बनाते हैं और आप एक प्रायोरिटी भी बनते हैं। तो करना यह है कि आपको लर्निंग अच्छा करना है, प्रैक्टिस अच्छा करना है, अपने काम को रिव्यू करना है, इंस्पिरेशन कैसे आती है इसको समझना है, कैसे एक छोटा आइडिया एक कॉन्सेप्ट बनता है और कॉन्सेप्ट से वो फिर एक फाइनल शूट में कन्वर्ट होता है, सब वो आपको सोचना है, समझना है। फाइनली आपको उस बनाई हुई इंडस्ट्री में अपनी रिक्वायरमेंट को मैच कराने के लिए तैयारी करनी होती है, ये एकेडमी का काम है सर। क्योंकि वही चीज़ है ना कि हम किसी भी चीज़ के लिए कहीं कुछ करने के लिए एक सीढ़ी बनानी होती है, वो सीढ़ी कुछ भी कि कहीं भी हो वो एक सीढ़ी हमें ढूंढनी होती है, कहाँ से वो सीढ़ी हमें पार करनी है। तो वही चीज़ थी सर, मेरे को भी एक सीढ़ी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर आगे कुछ सीखूंगा, लर्न करूंगा, जिसकी वजह से मैं आगे किसी के लिए काम भी करने के लिए अवेलेबल। तो वही चीज़ मैंने किया यहाँ पर, मैंने एक देखा कि मेरे को यहाँ पर विज़न दिख रहा था अपना कि एक अच्छा सा है, मेरे को कुछ यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टी अच्छी मिली, मेरे को काम भी मतलब सीखने को, और छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे में गलतियाँ हो रही थी पहले उसको यहाँ पर आके मैंने पूरा मतलब शार्प किया बिल्कुल अपने आप को, तब जाके मैंने ये अचीवमेंट पाई मतलब मिली है मेरे तो को। आपको आईआईपी में आकर के जब आपने सब फाइनल कर लिया कि मुझे अब फाइनली आईआईपी में एडमिशन लेना है, आईआईपी में आकर के आपको अब लर्निंग प्रोसेस, तो क्या ऐसा आपको लगा जो जिसने आपके प्रोफाइल में वैल्यूएशन किया? सर वही चीज़ है कि मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने जब अपना मैं यहाँ पर जब आया, मैं जो वहाँ पर फोटो क्लिक करता था वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ही चेंज था यहाँ पर। कि वहाँ पर तो मैं गया किसी का भी क्लिक कर लिया, मेरे को मतलब भी नहीं था फोटो में क्या चीज़ है क्या नहीं है, पीछे क्या आ रहा है कुछ, मेरे को मतलब फोटो सामने वाला दिख रहा है बस वो चीज़। अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो आर्ट, एस्थेटिक्स, हिस्ट्री, ये सब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सर पर्सपेक्टिव क्या है मेरा, फ्रेम क्या बनना है, और ये सब मेरे को यहाँ पर आके पता चली कि इस फोटो की वैल्यू क्या है, कि मतलब क्या मेरे को सैचुरेशन, क्या मेरे को मतलब एक पूरा फ्रेम देखना पड़ता था यहाँ पर अब, कि मेरे को क्या करना है उसमें फोटो में, यहाँ पर क्या आ रहा है, उस एंगल पे क्या आ रहा है, यहाँ मतलब वहाँ पर तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, यहाँ पर आके फोटो की वैल्यू पता चली कि उस फोटो में है क्या एक्चुअल। बहुत सुंदर, पूरा पढ़ा उस फोटो के बारे में, मेरे को हर एक नॉलेज हुई, मैंने काफी सारे फोटोग्राफर्स के बारे में भी पढ़ा कि वो फ्रेम्स क्या बनाते थे, क्या उनके वो थी, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है। तो वो चीज मेरे को घर में रह के तो कभी नहीं मिल सकती। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे? यस सर, मैंने अब यहाँ पे कम से कम मैंने कुछ नहीं, एक साल के अंदर 7 से 8 प्रोजेक्ट अपने जो सोलो शूट किए। यस सर, जो मैंने एक मतलब एडिटोरियल बेस पे किए हैं 2-3, जैसे एक एडिडास एडिटोरियल किया था, एच एंड वाला किया था मैंने, और मैंने एक शॉल थी कश्मीरी शॉल वो किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कमर्शियल शूट भी किए थे जो अपने लिए भी किए थे मैंने, जो साथ साथ कॉलेज के साथ भी मैंने अपनी इनकम भी करी थी, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं की हो, वो भी साथ साथ आपने हमें नहीं बताया इनकम भी हो रही है सब वो भी करता रहा था, जैसे कि मेरा वो किया था और बेबी शूट थे, प्री वेडिंग, मतलब मैं वो सब काम करते करते मेरे को मेरा हाथ और साफ होते चला गया बिल्कुल। देखिए ये हम अगर कमर्शियल फोटोग्राफी भी साथ साथ हो रही है इसको हम डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारे समय में भी कमर्शियल्स अपने अर्निंग का एक सोर्स बनाते थे। yes, और पैसा कमाना भी एक शौक होना चाहिए। हमें सिर्फ पैशन के लिए काम करना है वो तो ठीक है, लेकिन पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो
और प्रोफेशनल में भी कमर्शियल वाइबिलिटी हो, दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो इसलिए जब भी हम यहाँ पर आईआईपी में स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज़ नहीं हैं, लर्निंग के दौरान पैसे की ज़रूरत वैसे महसूस नहीं होती है, फैमिली सपोर्ट है, सभी के साथ में ऐसा नहीं होता है, बट जिनको रिक्वायर्ड है उनको करना भी चाहिए. यस. सो दैट वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रेशर ना करें और कोशिश करें कि वो सेल्फ अर्निंग सिस्टम पर आए. अर्न वाइल यू लर्न एक प्रोग्राम है हमारा, उसके अंडर अपने सिस्टम्स को समझें, अपनी कमर्शियल वायबिलिटी बनाएं और इनफैक्ट पेरेंट्स को सपोर्ट करें. सो इसके बाद में आपने ट्रैवल भी किया था? यस सर. कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? सर मैंने लैंसडाउन किया था एक, और एक चौपटा. एक आप बनारस में भी कोई शूट करने? हाँ, बनारस शूट जो था वो मेरा कैंपेन शूट था. हुँ. जो मैंने डिज़ाइन बाय योगेश था, वहाँ के एक डिज़ाइनर हैं, उनके लिए मैंने शूट किया था वो. अच्छा. तो सर वो तो क्रेजी शूट था बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरे को एक फ्लावर मार्केट दे दी गई थी और रैंडम मेरा मॉडल वॉक कर रही है, मैं शूट कर रहा हूँ. अमेजिंग. वो सर वो देखा था मैंने, वो आपका प्रोजेक्ट देखा था एंड इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड. वो जूरी में भी कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था. ठीक बात है. सो सुशील, आपने एक सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए एक स्ट्रगल टाइम होता है, पेरेंट्स को मनाना और वो सब चीज़ें, वो पूरा किया. उसके बाद में आपने सर्च किया, अपने इंस्टीट्यूशन को ढूंढा, इंस्टीट्यूशन में आ गए, उसमें फाउंडेशन हुआ, एडवांसमेंट आई, देन स्पेशलाइजेशन आ गई और अब पोर्टफोलियो बनकर तैयार हो गया. सो अब जो कि 2 दिन पुरानी ही बात है, हमारे सक्सेस रेट को अगर हम देखें, जो कि हम प्लेसमेंट सक्सेस रेट बोलते हैं, हम प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, हम प्लेसमेंट होना चाहिए इसकी बात करते हैं. एक समय था जब हम लोग इंटर्नशिप की बात करते थे कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पर जाना है, तो पेड हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अर्ली 14-15 तक ये जरूर रहा था, उसके बाद में इफ द ब्रांड एंड कंपनी इज नॉट पेइंग, हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. आज हमें खुशी है कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो 100% है, हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मोर देन स्टूडेंट्स हैं. सुशील के लिए भी जो हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकाली, अच्छी बात ये है कि 2 जगह इन्होंने इंटरव्यू दिया, दोनों जगह सक्सेसफुल हुए. yes. इस बात से ही हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है. एक कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए. yes, कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो दैट इज फ्रॉम आईआईपी साइड, योर मेंटर्स वगैरह वगैरह. लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो हमारा बनता है वो ऐसे बनता है कि इट इजन क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स, यानी क्रिएटिव को करने का फायदा तभी माना जाएगा अगर एंड ऑफ द डे उसका पर्पज अचीव हुआ. yes. आपका पर्पस गुड़गांव की एक कंपनी में yes, आप जा रहे हैं, आर्टेरियम, मंडे से आप ज्वाइन करेंगे. yes. कैसा लग रहा है? सर अच्छे, गुड फीलिंग्स. गुड फीलिंग्स. पेरेंट्स को बताया? यस सर. ग्रेट. देखिए, कोई भी पर्पस तब तक अचीव करना नहीं माना जाएगा जब तक कि की हुई जो तपस्या है, जो साधना है, जो आपने लर्निंग का समय बिताया है और फाइनली जो ऑब्जेक्टिव था उसको आप अचीव नहीं करेंगे. सुशील ने एक अच्छी लर्निंग ली है. सुशील इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स. सो हमें बड़ी खुशी है कि जो पेरेंट्स भी इस बात के लिए हमसे जब आके बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमें उनको देना होता है. मेरा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी उस पर डिसीजन पेरेंट्स के होते हैं, हमारे क्लाइंट्स के भी होते थे. तो हमारा वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब स्टूडेंट अच्छा सीखने के बाद में और अच्छी जगह प्लेस हो जाते हैं या फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो अच्छा फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ा भी रहे हैं और हमें ग्रेजुअली ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पैकेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. मुझे सुशील को गुड विशेज देनी है. सुशील, आईपी की तरफ से आपको गुड विशेज है. ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पैकेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. मुझे सुशील को गुड विशेज देनी है. सुशील, आईपी की तरफ से आपको गुड विशेज हैं. थैंक यू सर. जो भी आप लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करें, हमारे ऑलवेज ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. हम चाहते हैं आप खूब तरक्की करें और
स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े भी रहें, आईआईपी के साथ में आप लगातार जुड़े रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। yes. देखिए एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमेशा कहता हूँ वो ये है, आप चाहे किसी भी जॉब में चले जाएं, किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, स्टडीज़ शुड कंटिन्यू। ये जो नॉलेज है ये प्रोफेशनल नॉलेज है, ये सीखते रहना चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहे हैं, आर्ट और एस्थेटिक्स इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है, तो लगातार सीखते रहना भी आपके पर्सनैलिटी के अंदर होना चाहिए। थैंक यू सुशील फॉर कमिंग एंड इस चर्चा के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे लगता है कि वो इंस्पायर होंगे। yes, और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।